17,000 kids in Palestine, in Gaza, they participated in it. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अमेरिका में आज है ईद का दिन और मैं गाड़ी से व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं लेट हो चुका हूँ। तो अभी मैं मस्जिद के लिए निकला हूँ, लेकिन रास्ते में पहले मुझे जाना है बैंक, इसलिए बैंक से होते हुए मस्जिद जाएंगे। अभी हमारे पास तकरीबन 35 मिनट हैं अकामत में, तो उससे पहले कोशिश है कि मस्जिद पहुँचा जाए। नमाज पढ़ने की जगह पे पहुंच गया हूं और ये एक्चुअली एक्सपो सेंटर है। यहाँ पे 2-3 मस्जिद हैं और सब ने मिलकर बस वो एक्सपो सेंटर बुक करा लेते हैं, और बजाय इसके कि 2-3 नमाजें हों तो एक ही नमाज होती है। अभी नमाज का टाइम हो गया, रश काफ़ी ज़्यादा है, तो चलें पार्किंग स्पॉट ढूंढते हैं। الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد अच्छा जी, हमारी ईद हो गई है ख़त्म और काफ़ी देर के बाद जो है अब तकरीबन दिन का बज चुका है 11। ईद की नमाज़ हमने पढ़ ली थी और अब हम आए हैं कुछ खाने पीने। यहाँ पे एक पार्क है, सारी फैमिली यहाँ गैदर होंगी और हमने वन डिश प्लान किया हुआ है, यहाँ पे हम खाएंगे पिएंगे। खाने के बाद हमारा सारा प्लान है बच्चों के साथ, बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, इनको ईदी वगैरह का भी देना है, गुडी बैग हैं। बच्चों की ईद हम इंशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरेगी और उसके बाद हमारी एक्टिविटीज़ जो है वो कल भी जारी रहेंगी। कल भी ग्रैंड खाना होगा, सारे मिलेंगे, सारी फैमिली इकट्ठी होंगी। तो ईद इसी बारे में है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चांस मिल रहा है कि अपनी फैमिलीज के साथ हम अच्छी ईद इधर गुजार रहे हैं। अमेरिका में ईद के मौके पर छुट्टी नहीं होती और यहाँ पर हमें ईद का दिन काफ़ी प्लान करना पड़ता है। जैसा कि ये ईद का दिन जो है वो वेनसडे को ईद हुई है हमारी, तो हमें इसे प्रॉपर प्लान करना पड़ा है, छुट्टियाँ लेनी पड़ी हैं, बच्चों को स्कूल से ऑफ़ करवाना पड़ा, किसी रिश्तेदार ने किसी दूसरे शहर से आना था तो सारों ने उस हिसाब से प्लान किया है, तो हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है जो बहुत से इस्लामी ममालिक में या मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में आपको ये एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हमें एक प्रॉपर प्लान करके ये सब करना पड़ता है, और लेकिन हम करते इसलिए भी हैं कि हमारे बच्चे और आने वाली नस्लों में ये चीज़ जो है वो उनको इस त्यौहार की अहमियत का एहसास हो। हम ईदी और जितने भी हम पाकिस्तान में जिस तरह ईद मनाते थे, हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि हम यहाँ की ईद वैसी ही करें ताकि हमारे बच्चों को इस बारे में पता चले और उनमें आगे ही रहे इस त्यौहार के बारे में या किसी भी त्यौहार के बारे में। ऐसे तमाम लोग जो इस्लामी ममालिक में रहते हैं या मुस्लिम अक्सरियती ममालिक में रहते हैं वो लोग काफ़ी लकी हैं इस हिसाब से
कि उन्हें ये सब कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन जब हम आउट ऑफ द वे जाके अमेरिका या यूरोप या किसी भी ऐसे मुल्क में ये सब कुछ करते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है आपको। इसके अलावा जो है वो आप में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी आती है कि चले आप अपने त्यौहार, अपने दूर रहते हुए भी अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। दिन के अख्ताम पे खाली पार्क देख के हमने गाड़ी के साथ थोड़ी शरारतें की, लेकिन पार्क इंतज़ामिया हमारी इन हरकतों की वजह से थोड़ा ऑफेंड हो गई और उन्होंने हमारी पिक्चर्स और वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दी। और थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई, लेकिन पुलिस से हमारा कोई इंट्रैक्शन नहीं हुआ और हम बड़ी आराम से पार्क से वापस आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर, बाय।